बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और ट्रेनर हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है और मेरी इन वीडियोस का मकसद मीडिया से वाबस्ता अफराद, फिल्म मेकर्स, स्टूडेंट्स और मीडिया में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में मीडिया लिटरेसी इम्प्रूव करना। इन वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे मीडिया के असरात को, मीडिया की थ्योरीज़ को, एजेंडा सेटिंग को और प्रोपेगेंडा को जो फिल्म्स के ज़रिए या किसी भी मीडिया कंटेंट के ज़रिए की जाती है। तो असल में हम मीडिया कंटेंट का एनालिसिस करेंगे और सोसाइटी पे पड़ने वाले असरात का जायज़ा। और आज हम डिस्कस करेंगे एक हॉट टॉपिक और वो है नेटफ्लिक्स पे चलने वाली पहली इंडियन वेब सीरीज सेक्रेड गेम, जिसका सीज़न 2 अभी ऑन एयर हुआ है। सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 के लिए अवामुन्नास की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने अपनी रविश बरकरार रखी और बजाय इसके कि वो नेटफ्लिक्स जैसे बड़े मीडियम को जो कि $10 बिलियन की इंडस्ट्रियल वर्थ रखता है, उसको भी उन्होंने अपनी आम मूवीज़ की तरह एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान एजेंडे के लिए ही इस्तेमाल किया। सेक्रेड गेम के सीज़न 2 को देखने के बाद इस बात पर पुख्ता यकीन हो जाता है कि इंडियन मीडिया मेकर्स कितनी सतही और छोटी सोच के मालिक हैं कि इतने बड़े मीडियम को, मतलब नेटफ्लिक्स जैसे इतने बड़े मीडियम को, बजाय इसके कि अपने माशरे को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें, वो अपनी सारी तवानाइयां इस बात के लिए सर्व कर रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा करें। हम ये बात जानते हैं कि इंडियन न्यूज़ मीडिया तो कई दफ़ा रोना रोता ही रहता है, पाकिस्तान पे और ISI पे इल्ज़ाम लगाता ही रहता है। हमने ये भी देखा है कि कभी वो इस बात पर रोता है कि पाकिस्तानी कबूतर आ गए हैं उनके पास। पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की मोहर लगाए कबूतर मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को कबूतर के जरिए भारत की जासूसी करने का शक है। और कभी वो पाकिस्तानी गुब्बारे से डर रहे होते हैं। आसमान में उड़ती कोई संदिग्ध वस्तु गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पहले से ही हाई अलर्ट था। अचानक आसमान पर संदिग्ध बैलून एयरफोर्स के रडार पर आया तो सेना भी सन्न रह गई। और हद तो ये है कि उनके पास होने वाली मौसमी तब्दीली के असरात की वजह भी पाकिस्तान ही गर्दाना जाता है। देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, और इससे बढ़कर ये कि उनकी फसलों पर हमलावर होने वाले टड्डी भी पाकिस्तान से ही दरामद किए हुए नजर आते हैं। राजस्थान में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से खतरा मंडराने लगा है। लाखों की संख्या में हमलावर भारत की तरफ कूच कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में हुई बारिश ने टिड्डी के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। केंद्र ने राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा सरकारों को अलर्ट भेजकर जून जुलाई में टिड्डी के हमले की आशंका जताई है। तो इंडियन मीडिया, चाहे वो न्यूज का हो या एंटरटेनमेंट का हो, हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी नाअहली और अपनी परेशानियों का सारा जिम्मा पाकिस्तान और ISI पे डालते। बिल्कुल इसी तरीके से इस मूवी में भी यही दिखाया गया कि एक न्यूक्लियर बम बॉम्बे में इंस्टॉल किया गया है। इतने बड़े बम को जो कि बॉम्बे तक पहुंचा, वो कैसे पहुंचा और उसका भी सारा इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी बेस एजेंसी मतलब ISI पे डाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया अपने दिफाई बजट के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, तो इंडियन एजेंसीज और उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या भंग पी के सो रही हैं? तो बजाय इसके कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, वो अपने तमाम शिकायतों को हल करने के बजाय और अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के बजाय वो अपनी न्यूज़ और फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए उन तमाम का मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंडियन मीडिया को अपनी तमाम रिसोर्सेज बजाय पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयन करने और इनके खिलाफ ढोंडी साजिश करने के बजाय अपने माशरती मसाइल को उजागर करने पर साफ करनी चाहिए। इंडियन मीडिया को ये नज़र नहीं आता कि उन्हें वर्स्ट कंट्री फॉर द वुमेन करार दिया गया है। US की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सबसे ज़्यादा हमले उनकी अकलियतों पर किए जाते हैं जो उनकी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से किए जाते हैं। और क्या कभी ये बताया गया है कि इस वक्त इंडिया के अंदर रिपोर्टेड 106 रेप के वाकयात पर डे हो रहे हैं, उसमें ये भी कहा गया है कि 50% से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि सेक्रेड गेम 2 का स्क्रिप्ट चेंज किया गया है मौजूदा LOC की सूरत हाल के ऊपर, कश्मीर में होने वाले तनाव के ऊपर, या अभिनंदन के वाक़े या पलवामा अटैक की वजह से, तो ये बात याद रखिएगा कि पलवामा अटैक 14 फरवरी को हुआ, अभिनंदन पाकिस्तान में 27 फरवरी को गिरे,
मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। जबकि सैक्रेड गेम की शूटिंग 20 फरवरी को मुकम्मल कर ली गई थी। सैक्रेड गेम 2 में इस्तेमाल होने वाली जबानी बड़ी अहमियत की हामिल है। इंतहाई एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई इस पूरे सीजन में। आपको ये जान के हैरत होगी कि सीजन 2 में दी गई गालियों की तादाद 242 है। हम अगली किस्त में डिस्कस करेंगे कि जबान का या मीडिया की जबान का माशरे पे क्या असर होगा। तब तक के लिए अल्लाह।